अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं आपका एक ब्रांड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप? क्या हालचाल है आपके? ठीक है? और गर्मियां एंजॉय हो रही हैं? हमारी गर्मियां देखें, आज ब्यूटीफुल वेदर है और क्लाउड्स वगैरह आए हुए हैं। तो यार, अभी का सीन ऐसे है ना, आज के ब्लॉग में सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक अनबॉक्सिंग दिखानी है छोटी सी। और आए ज़रा रूम में जाते हैं और आपको स्टार्ट से जो है पहले अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और फिर उसके बाद जाना भी है। तो ब्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है, सब्सक्राइब लाजमी से करो, बेल आइकन का ऑप्शन ऑन कर दें ताकि आप लोगों को मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यार लाजमी से सब्सक्राइब करें और अब जो है इंशाल्लाह 7K कंप्लीट करें और आए आपको ज़रा अनबॉक्सिंग चेक कराते हैं। सो गाइस, रूम में मैं आ गया हूँ और साथ जो है यूसा भी है और सुरैम भी है। सुरैम, आज हम किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे? स्मार्ट वॉच की। ये चेक करें गाइस, ये जो है दो स्मार्ट वॉच है, एक जो है वो यूसा की है ये वाली और एक जो है सुरैम की है। एंड अभी ज़रा पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे थोड़ी सी स्टोरी भी बताता हूँ। तो आए, कौन अनबॉक्सिंग करेगा? आए सुरैम, पहले आप करें। आ जाए, करें, खोलें इसको ऐसे। ये अब ओपन करके दिखाएं। ये देखें जी, सुरैम की स्मार्ट वॉच। ये जो है इसकी बेल्ट है और साथ ही वायरलेस चार्जर है। एंड ये आ गई जी वॉच, दिखाएं जरा। ये ऑन होगी स्मार्ट वॉच। एंड देखें, ये सुरैम के हैंड के साथ जो है वो बिल्कुल फिक्स आएगी। ये वॉच है, साथ जो है ये वायरलेस चार्जर है और ये जो है इसके स्ट्रैप्स हैं और ब्लैक कलर में और इसमें कोई जो है इसके पीछे ये जो है सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। और ये जो है आप HI वॉच प्रो और वैसे जो है ये जो एप्पल वॉच 8 है उसके साथ की है देखने में भी। और साइड्स आप ऐसे देखें, ये जो है इसका आ गया मैनुअल, यूज़र मैनुअल और इसमें सारा वो जो है डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन सारी लिखी होगी। बस मैं आपको इसका दिखा देता हूँ अंदर से। सुरैम, आप चेक कराएं इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इसमें? लाइट टॉर्च, टॉर्च ऑन होती है और गेम्स भी हैं, हार्ट बीट भी है। ये जो है इसके इंटरफेस हैं, ये देखें, ये बड़ा प्यारा है ना ये। और साथ आगे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, एक सेकेंड, ऐसे इसको ना हम रोल करेंगे ना तो ये इसका सारा इंटरफेस वगैरह खुल रहता है। तो सुरैम की वॉच की अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ली है, अब ये यूसा की वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं। चले जी, ओपन करें, ये चेक करें, ये भी सेम उसी तरह है। ये सबसे पहले जो है इसका ये डायल आ गया और पावर ऑन करें इसको, पावर ऑन हो गया। इसके साथ भी इसी तरह जो है एक ये वायरलेस चार्जर है और साथ जो है इसकी ये ब्लैक स्ट्रैप्स जो है वो मेरे ख्याल से दोनों की सेम है। इसकी जो है थोड़ी सी शाइन ज़्यादा है और ये जो है मैट में है। और दिखाएं आप, ये जो है ना बिल्कुल वो वॉच 8 जो नहीं है एप्पल की, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। और इसका साइज़ भी ना, इससे हम थोड़ा सा कंपेयर करें ना एक मिनट, ये देखें इसका साइज़ बड़ा है इससे थोड़ा सा, ये देखें। और इसके भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरफेस वगैरह दिखाता हूँ। ये जो है इसके सारे वो थीम्स वगैरह हैं। और किसकी ज़्यादा अच्छी है बताएं? शैम आपकी ज़्यादा अच्छी है, यूसा भाई की? आपकी अच्छी है, दोनों की अच्छी हैं। ये जो है इसका फ्रंट बॉक्स है और दोनों जो है वॉच की अनबॉक्सिंग करनी है। मैंने कहा चले आपको भी साथ अनबॉक्सिंग दिखाते हैं और थोड़ा बहुत यार आपको पता है ना कंटेंट निकल आएगा। एंड दोनों की जो है ना वो वॉचेज। अच्छा, अब यूसा और सुरैम की वॉच की अनबॉक्सिंग तो आप लोगों ने देख ली है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वॉच कहाँ पे है? यूसा और सुरैम की तो आ गई है, मेरी कहाँ पे है? तो मैं ना आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास ना ये वॉच उस टाइम पे थी जब किसी को पता ही नहीं था कि ये स्मार्ट वॉच होती क्या है। मतलब अब तो ये आगे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, काफ़ी सारे ब्रांड्स आ गए हैं, कंपनीज आ गई हैं, लेकिन मैं जब 1 में था ना मेरे पास ये वॉच तब थी। एंड उसमें ना जो मेरी थी उसमें सिम भी डलती थी, साथ कैमरा भी था, गेम्स भी थी और भी मतलब काफ़ी सारे फंक्शन थे, मेमोरी कार्ड डलता था, लेकिन इनमें उस तरह का कोई फीचर नहीं है। बस ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होंगी और थोड़ा बहुत जो है वो हार्ट बीट वगैरह वो भी जो है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। तो ये जो है सीन है। तो यार अभी का कुछ सीन ऐसा है, अभी मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ क्योंकि स्टेक वगैरह खाना है, काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था तो मैंने कहा चले आप लोगों को भी साथ दिखाते हैं। और स्टेक फिर आप लोगों को पता है इस्लामाबाद का ही अच्छा होता है, हमारे एरिया के भी अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो होने वाला है ना कि इस्लामाबाद का जो सबसे बेस्ट स्टेक है हम वो ट्राई करें। और आप लोगों ने ब्लॉग आगे पूरा देखना, स्किप नहीं करना यार, आप लोग स्किप करके देख रहे हो मुझे पता है, आगे सारा करते जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ब्लॉग पूरा देखो। और बस अभी फ्रेश होते हैं, रेडी होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, पसीना आ रहा है यार, गर्मी है, बहुत गंदी गर्मी है, लेकिन यार कोई नहीं, निकलते हैं और आप आगे जो है व्लॉग एंजॉय करें। सो गाइज, अभी जो है हम यहाँ F7 आए हैं, ये अमेरिकन स्टेक हाउस पे, और इधर अभी अंदर जाते हैं, मेन्यू शेन्यू चेक करते हैं। ये सामने और ये जिना सुपर यहाँ पे,
और मेरा दिल था स्टेक पे, तो मैंने कहा चलें स्टेक आज ट्राई करते हैं यहाँ का। एक चिकन चिली ट्राई करते हैं, चिकन चिली और एक ही अमेरिकन फ्राइड स्टेक का, बीफ में, बीफ में वेल डन। स्टार्टर आ गए एंड आप बताएं पिज्जा खाने या स्टेक खाने? टेस्ट करें, टेस्ट करें कैसे? गंदा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। बीफ स्टेक आ गया एंड अभी मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। इबादत से पूछते हैं आपको ये भी पसंद है या ये भी नहीं पसंद? कौन भी नहीं खाए, कोई भी नहीं पसंद है। फिर आप क्यों आई हमारे साथ? पेप्सी पीने के लिए सिर्फ? हाँ। इसको सिर्फ पेप्सी पसंद है। चले मैं टेस्ट करके फिर आपको बताता हूँ। मजेदार। इसके साथ थोड़ा सा सॉस ऐड करके टेस्ट करते हैं, इसका भी अच्छा टेस्ट लग रहा है। गाइस खाना हमने खा लिया है और अच्छा टेस्ट था, स्टेक भी अच्छा था और साथ जो दूसरा हमने चिकन चिली फ्राई मंगवाया था वो भी काफ़ी अच्छा था। बस अभी जाते हैं, गाड़ी वाड़ी खड़ी है और ये जो है अंदर से कुछ होटल का व्यू है और रिकमेंडेड है यार, मैं जो है ना 10 में से 8.5 या 9 जा दूंगा। सो गाइस घर वापस हम पहुंच गए थे और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितने स्टेक्स ट्राई किए हैं ये इस्लामाबाद का सबसे ज्यादा बेस्ट स्टेक था और इंशाल्लाह आगे आने वाले किसी व्लॉग में मैं आप लोगों को जो है वो स्टेक बाय CFU का जो है वो स्टेक दिखाऊंगा और उनका काफी ज्यादा नाम सुना है, टेस्ट उनका काफी अच्छा होता है, तो इंशाल्लाह आगे किसी व्लॉग में उसको भी ट्राई करेंगे। और आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड कर रहा हूं। यार सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो आप अभी तक, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन करो और फटाफट से 7 के हिट करें। आगे जो है इंशाल्लाह और अच्छे ब्लॉग्स अपलोड करने की मैं कोशिश करूंगा, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब लाजमी से करो, बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करना, अच्छा ऐसे काम नहीं चलता, फ्री है बिल्कुल, सब्सक्राइब फटाफट से कर दो तो।